अभी यहाँ पे साफ गहराई दिख रही थी, और अभी देखो सामने सामने तुम्हारे सामने फॉग हट गया। अभी सफेद फॉग था, अभी हट गया और ये फॉग शिफ्ट हो रहा है इस साइड के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज तारीख है 11 सितंबर और मैं हूँ अपने गांव में, अपने गांव के घर में। मौसम हो रहा है कुछ ऐसा डेली की तरह, फॉगी फॉग फॉगी फॉग। और प्लान ये है कि मैंने आज शायद प्लान ये किया है, हम जाएंगे चंद्रशिला उत्तुंगनाथ और ट्रैकिंग करेंगे 4-5 किलोमीटर हाइट पे। चलते हैं, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करेंगे। नज़ारे देखो आप। ये नीचे अगस्त मुनि जो दिख नहीं रहा है, हम जाएंगे उधर और इस पहाड़ी पे जाएंगे यहाँ से ऊपर, तो ये भी दिख नहीं रहा है। फिलहाल फॉग फॉग हो रखा है, आसमान कुछ ऐसा है। पापा दिखाना, देख लो नहीं तो। रील्स तो बनाती रहती है तू। और ये आकृति ने बनाई है क्या? ये है भैया की लड़की आकृति और इसने बनाई है ये मैगी। ये ऐसी बनती है मैगी? हाँ ऐसी बनती है। तूने ऐसी बनाई है? हाँ। हैं? हाँ। ऐसे नहीं बनाते मैगी? आप बनाओ ना जैसा हम लोग ज्ञान झाड़ रहे हैं। अच्छा रील्स बनाती है तू? हाँ। कौन से चैनल पे? मैंने अक्कू आदि अतिक्ष रमोला किड्स। रमोला किड्स? मैं तो नहीं देखा, सब्सक्राइब नहीं किया तूने? झूठ मत बोलना। हेलो गाइस, ये मेरी मैगी। ये है दूसरी छोटी वाली, थोड़ा तेज ज्यादा है ना ये। ये भी ऐसी खा रही है ना। किलो बेचो पाप। कैसे है? बढ़िया है। अब देख क्या थी। और ये सबसे छोटा, ये ओए बोलियो, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, प्लीज प्लीज राहुल रमोला व्लॉग्स को बोलो। राहुल 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 रमोला रमोला व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, करो। और लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो। तेरा नाम क्या है? नाम बता अपना। अतिक्ष रमोला। हाँ ये वो है ना बात। चल चलते हैं। तो यहाँ हर 5 मिनट में मौसम बदलता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा था कुछ, यहाँ हो गया गायब। ये थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, ये भी थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। थोड़ी देर में भी क्या बोलूँ, 5 मिनट बाद सब गायब हो जाएगा। या तो 5 मिनट में ये सारा हट जाएगा, साफ हो जाएगा, या तो 5 मिनट में सारा ढक जाएगा और फिर अगले 5 मिनट में साफ। हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य रमोला और मैं अभी आती हूं। ए क्या चप्पल पहन? हेलो हमारे गाइस, हमारे गाइस। हेलो मैं आला हूं। कहां ले? कहां ले? क्या कर रहे तू? ऐसे कर ला। और ये है बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली सर। हाय क्या कर रहे? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना? तुम भी चल रहे हो घूमने? तुम जा रहे हो घूमने? कहाँ? मैं? हाँ ऊपर गांव में जा रही हूँ। अच्छा गांव में जा रही है? गांव में क्या करने जा रही है? भागवत है ना। अच्छा तो आज तो बारिश के बाद छत का पानी ऐसे आता है नीचे। ये देखो देखो फॉग यहीं पे आ गया, पूरा यहीं पे पास में ही फॉग आ गया। अभी ये धीरे धीरे सारा फॉग यहाँ से ऊपर आएगा। 5 मिनट की अगर वीडियो दिखाऊँ तो 5 मिनट में गायब होता हुआ दिखा सकता हूँ, बट थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, हमको निकलना है क्योंकि ट्रैकिंग करनी है तो निकलना जल्दी पड़ेगा। क्या बना रहे हैं? आलू पराठा।
क्या बना रही है? पोहा। पोहा कहाँ से सीखा तूने? मुझसे सीखा, मैं हूँ ना एक आर्टिस्ट, अलग अलग डिश बनाती रहती हूँ। जैसे बंद के वो पता नहीं, वो बंद को वो फ्राई करता है ना, हाँ, चपाती के जैसे, हाँ, उसके बाद उसे खाते हैं वो बंद कुकी टाइप का। बता रहा था आपको, यहाँ पे था, यहाँ से फॉग आ रहा था, इधर से 5 मिनट हुए नहीं, साफ हो गया, अगस्त मुनि दिखने लग गया, फॉग थोड़ा बहुत इधर है, इधर शिफ्ट हो गया और सामने ऐसा है ये साफ। अब ये फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भर जाएगा। फोन क्यों चाहिए तेरे को? फोन क्यों चाहिए? नहीं दूंगा, नहीं 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 दूंगा, नहीं दूंगा। भाग गया। तो ये तैयार हो गई। Hey guys, मेरा नाम है आकृति रमोला और आप देख रहे हैं राहुल रमोला व्लॉग्स। तो ये और ये मेरी बहन। ए हे, क्या तैयार हो गई? मम्मी मेक्स मी स्माइल। हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य रमोला और आज आप देखेंगे चाचा का व्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने। तो हेलो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यस, तो चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलो। पापा के साथ जाओ। क्या कर रहे हैं? तू भी चल रहा है? हैं, तेरे को भी आना है? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो गाइस, सब लोग निकल गए, तैयार हो गए और हम भी निकलते हैं। चलो भाई फटाफट। तो ये सब लोग आगे निकल गए। ये सेम ताऊ जी की गाय भैंस, ये उनका घर और हम जाएंगे आगे। ओहो, बिल्ली भी है यहाँ पे और ये डॉगी। ए, 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 ओहो, आजा 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 आजा, छोटा सा डॉगी, ए छोटा डॉगी। बड़ी नॉलेज है इसको साइंस की। गाइस देखो, इसको बहुत नॉलेज है साइंस की। अब एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं। पूछे मत पूछना, ठीक है? अटपटा क्या होता है? क्लास का क्वेश्चन पूछना जो छोटे बच्चों का है, जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, ऐसे पूछना है। तुम जाओ। फाइनली, ए हल्ला मत करो। फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए। हाँ भाई, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस फाइनली मैं ये मेन बैंड पे पहुंच गया। ऊपर जाती है हमारे गांव की रोड। ये स्कूटी मेरे भैया की है, पंचर हो गई है, पता नहीं कहाँ है भैया, वो भी नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, सामने वो वाला पहाड़ जो हमारे घर के सामने दिखता है, इधर आज हिमालय तो दिखेगा नहीं, नीचे फिर बादल लग गए। वाह, ये पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पे, कुछ तो बन रहा है लेकिन पता नहीं है क्या बन रहा है। सो गाइस, हम जाएंगे वहाँ नीचे। देखो ये रोड जाएगी यहाँ से सीधा 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 इस पहाड़ के जस्ट पीछे, वहाँ से बैंड लेगी, फिर एक बैंड ऐसा 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 आएगा। आई डोंट थिंक सो, ये बादलों की वजह से वो रोड दिख पा रही है। और फिर यहाँ से होते हुए हम आएंगे, वहाँ से फिर एक बैंड लगेगा और फिर वो नीचे, मतलब जहाँ वो फॉग लगा हुआ है वहाँ जाएंगे और वहाँ से सीधा हाईवे पकड़ेंगे, केदारनाथ वाला हाईवे, और इस पहाड़ पे जाना है हमें। देखो ऊपर एक गाड़ी आ रही है ऊपर पहाड़ से। तो ये पहाड़ आपको जितने अभी सुंदर दिख रहे हैं ना, उतने ही खतरनाक भी होते हैं। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी रोड, यहाँ से रिसेंटली एक नई नई ओमनी गाड़ी थी, वो देखो ये गाड़ी नीचे गिरी हुई। तो यहाँ से गाड़ी गिरी और वो जाके नीचे अटकी,
लेकिन हाँ जो चला रहा था ही इज ऑन स्पॉट डेड, ही इज नो मोर नाउ। बट बहुत बड़ा रिस्क है ये पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते नहीं, जब होते हैं तो सीधे ऐसे। तो वो तो फिर भी कम हाइट पे गिरा है यहाँ से, लेके ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से और सीधे आदमी उस खाई में नीचे दिखे, वो ऐसा होता है। ये देखो बादल धीरे धीरे ऊपर चल रहे, मतलब बादल क्या बोलूँ, कोहरा। रोड से वहाँ पे थे हम, यहाँ पे आते ही छूटते ही ये वाटरफॉल, वाटरफॉल का शोर तो आ ही रहा होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये है एक वाटरफॉल, वो दूसरा ये जाएगा नीचे, तो हम इसको तीसरा भी बोलेंगे। देख रहे हो आप, रोड पूरा बादलों से कोहरे से ढक गया। अच्छा खासा मानसून वाला मौसम हो रहा है, मजा आ रहा है। तो गाइस अभी हमने ऊपर से वीडियो बनाई थी, वहां ऊपर टॉप से वो जो टॉप दिख रहा है आपको, तो हमारे गांव की रोड पे ये एक वाटरफॉल है, काफी सुंदर है, यहाँ पे भी नहा सकते हैं। सो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूँ मेन हाईवे की तरफ, ये यहाँ से आगे जाके कनेक्ट होगा हाईवे पे। ये जो एरिया है इसका नाम है गंगानगर, इसके बाद आता है जवानगर और अगस्त मुनि। तो हम जब शॉप के लिए जाते हैं तो यहाँ से होके ये मेन केदारनाथ हाईवे है, और वो रहा गंगानगर। ये पल्ली पार की रोड, ये वही पहाड़ है जो हमारे घर से दिखता है, ऊपर अलग ही नज़ारे होते हैं। तो ये रहा हाईवे मेन, यहाँ पे देखो टूटा हुआ है पूरा। वो मेरी बुआ का घर है, वो येलो वाला, उसके जो नीचे वाला मकान है पहले वो हमारे ही घर था, अब वो बेच चुके हैं। तो अब मतलब मेरा स्कूलिंग सारा मतलब वहीं बीता है। मैं जब स्कूलिंग था तो 12 पास मैं जब हुआ था मैं, तो तब तक मैंने आई थिंक सेवन्थ क्लास से और 12th क्लास तक मैं यहीं रहा हूँ, मतलब 2007 से 13 तक मैं यहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब उस समय दीदी वगैरह भी यहीं रहते थे, अभी बंद है यहाँ पे कोई नहीं रहता, वो भी बेच दिया, जो रहते हैं वो दूर कोई और हैं, मतलब बाहर के लोग हैं, उनको बेच दिया था। तो अब यहाँ रहते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कौन रहेगा जब कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो नॉर्मली जब मैं मार्केट में रहता था तो मैं यहीं रहता था पहले, तो मेन हाईवे पे ही था रोड, सामने गंगानगर और वसुंधरा लॉज, पोल्ट्री फार्म, वो L&T का वर्कशॉप, वो फलई गांव, और हम जाएंगे आगे। तो गाइस जो ये सामने आपको गेट दिख रहा है, ये है हमारे गांव की रोड का मेन एंट्रेंस हाईवे से, और ये होता है मेन हाईवे पे कनेक्ट, ये है केदारनाथ हाईवे, और इस जगह का नाम है बिडगोर। यहाँ पे पहले घर हुआ करते थे जो कि अब हाईवे की वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से तोड़ दिए गए काफी सारे। सो गाइज मैं अभी हूँ सौड़ी में, और मेरे नीचे है ये नदी, और नदी के आगे है ये पत्थर बड़ा सा, तो मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज ये जो पत्थर आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये सत्तू ढूंगू हम बोलते हैं, ढूंगू यानी पत्थर। इसके भी अपने पांडवों के जमाने की कोई कहानी है, मुझे तो याद नहीं है, गूगल पे कौन सर्च करेगा अभी, तो आप खुद ही पढ़ लेना इसकी क्या स्टोरी है। एंड ये है मंदाकिनी रिवर, ये है केदारनाथ मार्ग, ये रहा सौड़ी गांव। ये गांव नहीं है एक्चुअली, मार्केट है, सौड़ी गांव इसके ऊपर है, और हम ऊपर से आए हैं उस पहाड़ से, ऊपर से होते होते यहाँ।
चीज ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है खूबसूरत सा, इसका नाम है हाट। जैसे दिल्ली हाट है वैसे ये उत्तराखंड हाट। तो गाइज ये जो सामने होटल दिख रहा है आपको, देखो होटल केदारगंगा, यहाँ पे मैंने कभी एज अ वेटर काम भी किया था कुछ छुट्टियों में। तो यहाँ पे मेरे को तनख्वाह थी कितनी, 1200 रुपए। तो फर्स्ट जॉब यहाँ, मतलब नहीं कह सकता, लेकिन हाँ यहाँ भी मैंने काम किया है। स्टार्ट। अभी हम जहाँ पे पहुंचे हैं, इस एरिया का नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा काफी स्मॉल टाउन है और काफी खूबसूरत सा पहाड़ों से घिरा हुआ मार्केट है ये। तो गाइस ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ का नाम है भेरी। तो ये आता है छोटा सा मार्केट केदारनाथ हाईवे के बीच में। ये जो ऊपर आप बंद दुकानें देख रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ पे भी मैंने काम किया है बहुत पहले। यहाँ पे ये सुंदर वॉटरफॉल पहाड़ों से गिरता हुआ। तो गाइज ये जो आपको डैम दिख रहा है ये कुंड का डैम है जो कि केदारनाथ के मार्ग पे है, और केदारनाथ के लिए उस पुल से रोड जाती है उधर के लिए, और ये जाती है आगे गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से होते हुए सोनप्रयाग और गौरीकुंड। नदी के शोर की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी। हम जा रहे हैं इस रूट पे जो कि जाता है उखीमठ। उखीमठ से जाएंगे हम चोपता, चंद्रशिला, तुंगनाथ। तो हम जाएंगे इस रास्ते पे। तो गाइज ये देखो, सी मैन सी, ये एक झरना, ये दूसरा झरना। तो ये देखो गाइस दोनों वाटरफॉल एक साथ, एक यहाँ एक यहाँ। तो आज लगता है वाटरफॉल दिखा दिखा के ही मतलब वीडियो खत्म हो जाएगी।
इतने सारे वाटरफॉल आ रहे हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, वाटरफॉल की आवाज़, पानी यहाँ तक आ रहा है और वो ऊपर तक। तो गाइस यहाँ पे एक रेनबो भी निकला हुआ है, हल्का सा दिख रहा होगा, रेनबो निकला हुआ है यहाँ पे। वाटरफॉल ऊपर, नीचे रेनबो, आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:26। तो अभी हम चोपता तो पहुंच ही गए हैं, चोपता पहुंच गए हैं तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तुझे क्या खाना है भाई? मुझे तो भूख लग गई। बच्चों इधर देखो, क्या खाना है तुमको? जो खिलाओगे वो खाऊंगी। कुछ भी, सोने का टाइम नहीं है, पहुंच गए हम। अरे थोड़ा क्या पता है, चलो चलते हैं। ए दरवाजा लगा, तो नजारे कुछ ऐसे। ये देखो गाड़ी की चाबी मेरे पास नहीं है, कहाँ गई देखनी पड़ेगी। सो गाइज यहाँ पे गाड़ी मैंने पार्क कर ली है और नजारे कुछ ऐसे हैं। सो गाइज ये देखो, भाई साहब हैवी ड्राइवर है बंदा। यहाँ पे मोड़ रहा होगा ना, तो भाई साहब ने गाड़ी यहाँ पे नीचे कर दी। तो कोई तो हैवी ड्राइवर था, ये लोकल ही तो है, गाड़ी लोकल है, लेकिन तभी तो ओवर कॉन्फिडेंस में नीचे ले गया वो उसको। ये देखो, चलो चलो चलो। तो गाइस चोपता जो रूट है करंटली ऐसे डैमेज हो गया है, यहाँ से शायद पानी आया होगा, ये पूरा ढह गया। थोड़ा टफ था यहाँ पे गाड़ी निकालना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही सकरी रोड थी यहाँ पे। तो मौसम मतलब अच्छा हो रहा है, बारिश ना आ जाए बस, ज़्यादा ही आ गया। तो तो गाइस देखो नीचे उस पहाड़ पे लगी है धूप, ये नीचे, यहाँ ऊपर का मौसम कुछ ऐसा। हमें जाना है ऊपर, बारिश ना आ जाए बस। और ये है चोपता और आगे मार्केट, आगे से ही गेट है। Thank you.
गाइस चोपता में पहुंच गया और मैं हूं मेन मार्केट में, और यहां से हम करेंगे चंद्रशिला चुंगनाथ का ट्रैक। एंड अभी के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग राहुल रमोला ब्लॉग्स। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। एंड चलिए शुरू करते हैं दूसरी वीडियो।